विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, सभी पार्टियां अपनी तैयारी में जोर शोर से जुट चुकी है। अभी हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के नागपुर शहर अध्यक्ष सर, क्या बताना चाहोगे इस बार नागपुर में आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में लड़ने वाली है, कितने सीटों में उम्मीदवार उतारने वाले हैं? सबसे पहले आपके महाराष्ट्र 24 न्यूज़ के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसे कि आपने कहा कि आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है, नहीं लड़ने वाली है, मैं आपके सभी दर्शकों को ये बता दूं कि आम आदमी पार्टी अपने पूरी ताकत के साथ आने वाली महाराष्ट्र विधानसभा 2024 लड़ने वाली है। बात रही नागपुर की, क्योंकि मैं नागपुर का सिटी प्रेसिडेंट हूँ, तो आम आदमी पार्टी यहाँ की 6 के 6 विधानसभा पूरी ताकत से लड़ने वाली है और आने वाले दिनों में आप देखोगे कि 6 के 6 विधानसभा में मजबूत कैंडिडेट और संगठन के साथ और एक डेवलपमेंट एजेंडे के साथ आम आदमी पार्टी नागपुर शहर में आगे जाएंगे। किन किन मुद्दों को लेकर आप इस बार नागपुर वासियों के पास जाओगे और आपकी रणनीति क्या है और कैसी तैयारी चल रही है? देखिए, हम जैसे कि हम आपको बता दें कि हमारा से मैंने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ये सबसे पहला और सबसे अहम टारगेट था, उसी के हिसाब से सारे नागपुर में हम संगठन बना रहे थे। 2017 में जो नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ था और जिसमें 38 प्रभाग थे 10 के 10 जोन में, उस 38 में से हमारे मोटे मोटे सारे प्रभागों में बॉडी बन गई, 1-2 छोड़ के वहाँ पर हमारी कमेटी बन गई है। अभी कमेटी को हमने काम दिया है, वो कमेटी काम कर रही है और जो भी विधानसभा का नेतृत्व करेगा, जो भी विधानसभा के हम कैंडिडेट देंगे, सारी की सारी पार्टी एक होके उस कैंडिडेट के लिए प्रचार करेंगे। और दूसरी बात रही मुद्दों की, तो आम आदमी पार्टी जो एक सोशल सिक्योरिटी नेट के बारे में बात करती है, जो अच्छी स्कूल व्यवस्था, अच्छा हेल्थ केयर, उसके बाद सारे लोगों को मीन्स एक जो एक बेसिक ज़िंदगी जीने के लिए जितनी इलेक्ट्रिसिटी पानी लगता है उसकी बात हो, स्कूलों की बात हो, बहुत सारे मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी काम करेंगी और आपको नागपुर में आम आदमी पार्टी प्रॉपरली मुद्दों के साथ सामने आएंगी। नागपुर वासी अभी सर दो चीज़ से बहुत परेशान हुए, एक तो ये सीमेंट रोड, बारिश के वजह से सीमेंट रोड, और दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी बिल। जिनका पहले 1000 रुपये बिल आता था उनका भी 4000-5000 रुपया बिल आ रहा, वो देखा जा रहा, तो उनको आप किस नज़र से देख रहे हो? देखिए, मैं डिटेल में आपसे बात करना चाहता हूँ पर ये अभी सही समय नहीं है। मैं आपको एक जस्ट एग्जाम्पल देता हूँ, पूरे भारत का इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑलमोस्ट 4.25 लाख मेगावाट की है और हमारी जो पिक डिमांड है, यानी भारत की जो पिक डिमांड है, वो सिर्फ 2.25 लाख मेगावाट की है। मीन्स मोटा मोटा हम डबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि आज के तारीख में प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है, हमें 24 घंटा बिजली नहीं मिलती है, अनरप्टेड पावर सप्लाई मिलता है और ये महंगी महंगी बिजली देते हैं। इनका टारगेट ये है कि इस सबको प्राइवेटाइज़ किया जाए। सेम काम हम दिल्ली और पंजाब में कर रहे हैं। पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो पहले घाटे में चलता था, इस एनुअल बजट में वो आप यानी ये क्वार्टरली देख लोगे आप तो ऑलमोस्ट 500 करोड़ के से ज़्यादा फायदे में आया है। अगर इन्होंने प्रॉपर मैनेज करा तो हम सारे लोगों को 24 आवर बिजली भी दे सकते हैं, उसके बाद पूरे देश में 200 यूनिट फ्री बिजली दे सकते हैं और हमारी जो बची हुई बिजली वो बाहर बेच के उससे मुनाफा भी कमा सकते हैं। ये हो नहीं रहा है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल ने इसका सारा कैलकुलेशन लगा के रखा है कि पूरे भारत में हम अगर इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट फ्री देते तो 1.5 लाख करोड़ रुपये का खर्चा आ रहा है। ये बहुत सारी बातें हैं। आम आदमी पार्टी कभी भी काम करती है तो प्रॉपरली मुद्दे को स्टडी करके जो हो सकता है वही जनता को प्रॉमिस करती है और हम उसी पे ही काम करके लोगों को वो सुविधाएं देते हैं। जैसे कि बाहर के देशों में उनके नागरिकों को एक सोशल सिक्योरिटी नेट मिलता है कि भैया बच्चा पैदा होता है तो वो देश की जिम्मेदारी है उसको पढ़ाना। अगर हमारे देश में कोई अगर कोई बुज़ुर्ग हो, कोई भी हो, ऐसा हो ना कि कोई बीमार हो, पर बीमार होता है तो ये प्राइमरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है। आप यहाँ देख लोगे नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की सारे स्कूलें जाके देख लो, आप खुद नहीं कभी सोचोगे कि अपने बच्चे को मैं वहाँ एडमिशन करा सकता हूँ। आप यहाँ के इनके प्राइमरी डिस्पेंसरीज देख लीजिए, ऐसा लगेगा आपको कि वहाँ जाने के बाद आदमी ज़्यादा बीमार हो जाएगा। बहुत सारी समस्याएँ हैं नागपुर में, आपने बात की वाटर लॉगिंग और ये सारी चीज़ों की, भैया ये सारा कॉन्ट्रैक्ट और पॉलिटिशियन की लॉबी है, इनको पैसा कमाना है और यही सब पूरे नागपुर में चल रहा है। ये बोलते थे कि 40-40, 50-50 साल ये रोड चलेंगे, आप जाके रेशम बाग के ग्राउंड के पास देख लो, किधर भी चले जाओ सीमेंट रोड में बहुत सारे काम है और मेंटेनेंस नहीं होता, और सिर्फ सिविल लाइंस वाला एरिया छोड़ के आप कहीं पर भी चले जाओ आपको प्रॉपरली मीन सारा इम्प्रॉपर काम दिखेंगे और सिर्फ सिविल लाइंस में ही सारा प्रॉपरली इनका सिस्टम चलता है। जैसा कि आपने अभी बताया कि अगर आम आदमी पार्टी जीत के आती है विधानसभा चुनाव में तो वो नागपुर वासियों के लिए और नहीं पूरे महाराष्ट्र में 200 यूनिट बिजली फ्री में देने वाली है, तो यहाँ कहाँ तक ये लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी अगर इस बार चुनाव जीत के आती है तो आप क्या बताना चाहोगे नागपुर वासियों के लिए इस बारे में? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमारा पार्टी अभी सारे चीज़ों पर काम कर रही है। मैं आपको बताया कि हम दूसरे स्टेट्स में दे रहे हैं,
यहाँ की सारी जो मैनिफेस्टो में चीज़ें आएंगी, जो केजरीवाल साहब की गारंटी आएंगी, वो आने की है, वो आते ही आपको पता चलेंगी। पर मैं नागपुर वासियों को बताना चाहता हूँ कि आप एक बार, सिर्फ एक बार, ये विधानसभा चुनाव में और नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एक ईमानदार व्यक्ति को वोट दे के देखिए, और फिर देखिए कि इस यानी मीन्स न्याय बदलाव का जो आपको यानी पूरा जो सुगंध फैलेगा, उसकी आपको सुगंध हर जगह दिखेंगी, लोगों के लिए काम होंगे और लोग शासन में रहेंगे, ये हम आपको जिम्मेदारी से कह सकते हैं। आम आदमी पार्टी इस बार पूरे महाराष्ट्र में सभी सीटों में, नागपुर के पूरे सभी सीटों में चुनाव लड़ी है, तो क्या लगता है जो दूसरी पार्टी है उनके मुकाबले कैसी टक्कर देंगी आम आदमी पार्टी इस बार? देखिए, आम आदमी पार्टी जहाँ जाती है वहाँ बड़े सीरियसली चुनाव लड़ती है। हमारे पास रिसोर्स कम है, हमारे नेताओं को इन्होंने बहुत सालों से, दो दो सालों से जेल के अंदर बंद करके रखा है, क्योंकि उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब का सबसे बड़ा डर वो केजरीवाल है। तो ये इन लोगों ने सारे रिसोर्सेस, सारा सब कुछ करके देख लिया, तभी भी ये पार्टी दब नहीं रही है। क्यों नहीं दब रही है? क्योंकि एक सोच है, आम आदमी पार्टी एक विचार है। इसलिए, क्योंकि आप लोगों को तो मार सकते हो, आप अरविंद केजरीवाल को मार दोगे, आप सबको मार दोगे, पर इस विचार को नहीं मार सकते। और ये जितना दबाएंगे उतना ये ऊपर जाएगा। अभी जल्द से जल्द हमारे नेता बाहर होंगे और उसके बाद देखिएगा आपकी महाराष्ट्र में कैसी राजनीतिक उथल-पुथल होती है। सर, आप क्या बताना चाहोगे, नागपुर में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेंगी तो उनकी ग्राउंड लेवल में कहाँ तक तैयारी हो चुकी है, कहाँ तक, मतलब उनका क्या लगता है कितने परसेंट तक उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है? सर, मैं आपको अभी भी फिर से बताना चाहता हूँ कि नागपुर में जो 2017 का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हुआ था, उसके हिसाब से जो 38 प्रभाग बटे थे, उसमें से 35 से ज़्यादा प्रभागों में हमारी बॉडी बन गई है। उसके बाद लोकसभा चुनाव में हम इंडिया आघाड़ी में थे, तो इंडिया आघाड़ी में हमने इंडिया आघाड़ी के कैंडिडेट के लिए प्रचार किया, तो उसी 5 दिन के कैंपेन में हम 3.5 लाख लोगों तक पहुंचे थे। ये एक स्मार्ट वर्क करने वाली पार्टी है, आप आगे आगे देखिए होता है क्या। तो आपने देखा, अभी हमारे साथ मौजूद थे नागपुर शहर अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी के नागपुर शहर अध्यक्ष अजिंक्य सर। तो इन्होंने बताया कि इस बार आम आदमी पार्टी बहुत ही जोर शोर के साथ नागपुर में इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगी, और इनके पास हर एक मतलब व्यक्ति के लिए एजेंडा है कि वो, यहाँ तक कि ये भी बताया कि हर व्यक्ति को हर घर में 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। ऐसे ही इन खबरों के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। कैमरा पर्सन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं अभिषेक दुबे, नागपुर।